हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आम आदित्य। और आज हम फिर खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो ये उसका पार्ट टू होने वाला है। तो मैंने गार्डन का आइकन भी बना दिया ऑफलाइन। तो यहाँ पर मैंने केव ढूंढा था लास्ट टाइम, मैंने और थोड़ा सा उस केव पर माइनिंग भी किया था। मुझे डायमंड्स नहीं मिले थे, बहुत ज़्यादा ढूंढ लिया पर कुछ और मिल गया था। वहाँ पर मैंने पिलर भी बनाया ताकि मुझे रास्ता याद रह सके। कि पहले पहले ना मुझे एक चीज़ बनाना है, वाटर बकेट क्लच मारने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास आयरन भी है अभी। यहाँ पर नीचे पानी है तो मैं उतर जाता जल्दी से। मैं यहाँ पर जल्दी से बकेट बना लेता हूँ, बन गया। अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ देता हूँ और चला जाता हूँ उस पिलर की तरफ जो मैंने बनाया था उस। तो मैं आ चुका हूँ इस पिलर की तरफ। भाई, इससे नीचे उतरना काफ़ी मुश्किल है। मैं वाटर बकेट क्लच करके नहीं, ओ भाई मैं नीचे गिर गया यार, ठीक से हुआ नहीं वो क्लच। ठीक है, अभी हुआ था, अब मुझे क्लच। अरे यार, मैंने गलती से जल्दी पानी प्लेस कर दिया। भाई ये गलत है यार। तो मैं यहाँ पर भी आ गया और मैंने वो पानी भी साफ कर दिया जो ऊपर था। साफ क्या कर दिया, मतलब मैंने अपने बकेट पर डाल लिया। ये क्या है? ओ, मैंने पानी को हटा दिया ना तो ये मर रहे थे यहाँ पर। तो ये रहा एक स्केलेटन का स्पॉनर। तो मैं जल्दी से चेस्ट को तोड़ देता हूँ। ठीक है, ये टूट गया। अब मुझे इसके चार ब्लॉक खोदने पड़ेंगे। और आज का टास्क ये है, आज मैं एक स्केलेटन एक्सपी फार्म बनाऊंगा। तो मैं जब तक ये रेडी हो रहा है तो मैं तब तक ये पार्ट को स्किप कर देता हूँ। मैंने ये पूरा चार ब्लॉक डिग डाउन कर दिया। अभी मुझे यहाँ से पानी आएगा और यहाँ पर जो मॉन्स्टर वगैरह है वो यहाँ से नीचे चले जाएंगे। मॉन्स्टर वगैरह क्या, स्केलेटन ही तो आएंगे, स्केलेटन वाला फार्म है। तो यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पर सब गिरेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्लो भी ऐसे ही कर दूंगा। पर वेट यार, फ्लो तो 8 नहीं 7 ब्लॉक्स या फिर 8 ब्लॉक्स का होता है ना, तो मुझे फिर ये एडजस्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। मैंने वैसा एडजस्ट कर लिया है। अभी ये बंद कर लो भाई, ये भी ठीक है। अभी जितना आना चाहिए आ रहा है। तो यहाँ से ठीक है भाई, यहाँ से पानी आ रहा है भाई। फ्लो ठीक से अभी एडजस्ट नहीं हुआ था तो मैं फिर ही इसका फ्लो एडजस्ट कर लिया। अभी ठीक से सब। और मैंने ऊपर एक इन्फिनिट बकेट वाटर सोर्स बनाया था। ये भाई ठीक से है, मतलब चल जाएगा भाई, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है कि इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। और यहाँ से भी मुझे पानी भेजना पड़ेगा तो उसके हिसाब से भी मुझे करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर 3 ब्लॉक हो रहा, नहीं 4 ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पर 2 ब्लॉक ही हो रहा है। जगह को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वही हुआ है अभी चेंजेस। यहाँ पर मैंने इन्फिनिट बकेट वाटर सोर्स बना रखा है। यहाँ से और एक बकेट मैंने ले लिया और यहाँ पर प्लेस कर दो। ठीक है भाई, जा रहा है फ्लो आराम से, पूरा परफेक्ट हुआ ये। ऊपर जाके फिर पानी ले लो, अभी फिर यहाँ पर प्लेस कर दो जाके, हो गया। ठीक है भाई, फिर फ्लोर ठीक हो गया। अरे इतना क्यों उछल रहा है ये, फिर पानी उठा लिया। यहाँ पर अगर मैं गलती से गिर भी गया ना तो मुझे डैमेज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पानी है, वो एक अच्छी बात है।
यहाँ पर एक पानी डाल दो, ठीक है। अब उसके बाद मैं जब करूँगा, जब ये सीढ़ी वगैरह मैं हटा दूँगा, अभी टेम्प्रेरली तो ये होने से भी ठीक है। इसका ये मैं पहले हटा देता हूँ क्योंकि इससे मैं आ भी सकता हूँ इंस्टेंटली, तो ये सीढ़ी मैं बाद में हटाऊँगा क्योंकि अभी तो मेरा यहाँ पर काम चल रहा है। ऐसे जंप कर लो, ठीक है भाई, बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। अभी ऐसे मॉन्स्टर जाएंगे और इधर गिर जाएंगे, उसके बाद उस मतलब उधर गिर जाएंगे इधर आके। मैंने अभी तक तो बनाया नहीं है, ये कैसे होगा, तो अभी मैं ये बना देता हूँ। तो ये भी मुझे इसके फ्लो वाटर के फ्लो के अनुसार बनाना पड़ेगा। अभी मेरे जस्ट नीचे गोल्ड है तो अभी मुझे उसे लाना है, पर मेरे पास अभी तो आयरन पिकेक्स नहीं है, मैं उधर से लाना भूल गया, तो अभी जाकर मुझे फिर लाना पड़ेगा यहाँ से। मैं अभी के लिए तो चला जाता हूँ क्योंकि मैं ऐसे ऊपर उड़ के तो नहीं जा सकता। तो मैंने आयरन पिकेक्स ले आया हूँ, मैं यहाँ से मैं कोबलस्टोन लगा देता हूँ, यहाँ पर भी कोबलस्टोन लगा है, तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ और वहाँ से भी जा सकता हूँ जहाँ से अभी इस जगह से निकला था, इसी जगह से। तो आयरन पिकेक्स से इसे जल्दी से माइन कर देता मैं, ठीक है। आयरन पिकेक्स, वो भाई इसका पहल इधर का गोल्ड। अभी मैं एक बकेट ले आता, सबसे पहले बकेट नहीं, बकेट से वाटर ले आता हूँ, ठीक है। अभी इधर जल्दी से जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर गिर जाओ। वो और थोड़े से गोल्ड है, ठीक है भाई, गोल्ड तो कम से कम मिल गए। यहाँ पर एक और केव है भाई, पर काफी सुनसान है, नहीं जाना है। अभी मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ इसलिए रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल। भाई ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है नीचे, खतरनाक वाली, तो यहाँ पर आके मॉन्स्टर्स गिरेंगे। तो ऐसे अभी के लिए मैं जस्ट लगा देता हूँ। तो ऊपर जाने के लिए भी मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, जल्दी से लैडर बना के लाया हूँ और मैं ऊपर लगा देता हूँ ऐसे ऐसे करके। अभी ऊपर जाने के लिए और 10 घंटे लगेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त लगा था इसे बनाने के लिए, करीब 1-2 घंटे लगे थे, और मैंने इसे फाइनली बना लिया। और ऊपर मैंने एक टावर भी बना लिया था जितना मैंने माइन किया था, और एक वाटर बकेट क्लच करके नीचे आया था यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा। और हाँ, मुझे यहाँ से टॉर्च निकालना है भाई, क्या क्लच मैंने किया है भाई, अभी नहीं निकालना है। मैंने तो अभी तक कुछ सामान लिया भी नहीं है, इसलिए अभी तो टॉर्च रहने दो, मुझे पहले इसे हटाना है वरना मॉन्स्टर इधर से बाहर आ जाएंगे। मॉन्स्टर नहीं है, स्केलेटन इधर से बाहर आ जाएंगे। स्टोन का पिकेक्स, और इसे भी माइन कर दो। ठीक है, माइन ये भी हो गए, और यहाँ से मैं ब्लॉक कर देता इसे पूरा, ताकि इधर से भी कोई जॉम्बी वगैरह इधर ना घुसे, ठीक है। अभी कोई नहीं परेशान कर रहा है यहाँ से, बस ऊपर ही एक रास्ता इधर से आने के लिए है, और मैं भी नीचे चले जाता हूँ। बकेट ऑफ वाटर मैंने यहाँ पर भी डाल लिया, अब यहाँ पर सब कुछ सही है भाई। अभी इसे मैं बंद कर देता हूँ, और ऐसा स्केलेटन गिरेंगे और इधर आ जाएंगे, इधर आके इधर से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, सब कुछ सही है। अभी मैंने वो बस टॉर्च नहीं हटाई है, तब मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं वो भूल गया था यार। अब मैंने ब्लॉक भी प्लेस किया है, स्केलेटन आएंगे खतरनाक मारेंगे,
और यहाँ से मैंने टॉर्च भी नहीं लिया था। ठीक है, ऊपर टॉर्च लगा हुआ है। अभी मैं इधर से ही चले जाता हूँ ना, क्यों इतने मेहनत करके उधर से जाऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तोड़ रखा है, तो मैं उधर से चला जाता हूँ डायरेक्ट। स्केलेटन वगैरह खड़े, मतलब हमारा फार्म प्रॉपरली वर्क कर रहा है, पर जॉम्बीज ही स्पॉन हो गए क्या? इसके ज़्यादा क्लोज भी नहीं जाना है, वरना इधर उनके पास बॉ है, उधर से मारेंगे। ठीक है यार, गए। मतलब ये हमारा प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, तो ये तो अच्छा, अच्छी बात है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।